नमस्कार दोस्तों, रुपेश बांसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद यहाँ से पार्टी ध्वज उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए किस तरह से जिला कार्यालय सचिव सुनील कश्यप द्वारा यहाँ से पार्टी ध्वज उतारकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद फाजिलका में शोक की लहर है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सर जी, ये जो आपने झंडे उतारे हैं भाजपा जिला कार्यालय में, क्या कारण है? आज सुबह से ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ चल रहे थे और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई थी। तो आज 5:05 पे जब शाम को हमें ये सूचना मिली कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमें अलविदा कर गए हैं और इसी शोक में आज पूरे देश भर में सभी कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में ध्वज उतार दिए गए हैं। उनके शोक में ध्वज उतारे हैं और उनको श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। मैं सुनील कश्यप, भाजपा जिला कार्यालय सचिव, अपने पूरी टीम की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिले। और मैं ये भी आशा रखता हूं कि ऐसे व्यक्ति फिर इस धरती पर दोबारा जन्म ले। हमें बहुत ही दुख है अटल जी के जाने पर, इनके जाने से जो हमें पार्टी को नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति जो पक्ष में और विपक्ष में लोकप्रिय रहे हैं और ये ऐसी महान हस्तियां बहुत ही कम जन्म लेती हैं, तो मैं उनको अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास दे। आज सुबह से ही खबरें चल रही थी, तो टीवी पर लगातार निरंतर यही देख रहा था कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की तबीयत में सुधार हो जाए। परम पिता परमात्मा का के यही अरदास कर रहा था भी, तो परम पिता परमात्मा वाजपेयी जी की सेहत में सुधार करे, यही प्रार्थना सुबह से मैं कर रहा था। पर 5:05 पर ये खबर आई कि वाजपेयी जी नहीं रहे, तो मेरे हृदय को बहुत क्षति लगी। मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं सदमे को सहन नहीं कर पाया। मेरे को ऐसा लगा कि भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया, जिन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी को अर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करता हूं कि उनको दिखाए रास्ते पे चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब सूचना मिली है कि हमें अलविदा कह चुके हैं। आज जैसे सुबह से ही ये हालत उनकी बिगड़ी हुई थी, चैनल पर दिखाया जा रहा था उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और सुधार नहीं आ रहा। और जैसे ही शाम को 5:05 के दिल्ली के एम्स अस्पताल में ये घोषणा पत्र जारी करके सूचना दी कि वो प्रभु चरणों में विलीन हो चुके हैं। तो जैसे हमें ये सूचना मिली, हमारी दिल्ली हाईकमान द्वारा जो जितने भी भाजपा के जिला कार्यालय बने हुए पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश भर में, उनके जो उनकी उनके शोक के अंदर दुख के अंदर हमने हमारे झंडे पार्टी के जिला कार्यालय पर लगे हुए थे, उनको एक बार हमने उतार दिया है। तो हम मैं सनी सरोवा जिला पालिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री महाअटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा को समन अर्पित करता हूँ और भगवान से ये दुआ भी करता हूँ कि ऐसे महान शख्सियत को एक बार फिर हमारे देश के अंदर जन्म दे और हमें जो जिंदगी के अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने का जो रास्ता बताए हमारे मार्ग।